आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका टी एक्सप्रेस न्यूज़ में। मैं मोहम्मद ताज, आइए देखते हैं आज की अहम खबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर वो खास खबर आपको मिलती रहे। మున్సిపాలిటీ కార్మికుల దౌర్జన్యం కల్పించాలి, ఉద్యోగ భద్రత ఇవ్వాలి, గుర్తింపు కార్డులు ఇవ్వాలి, గుర్తింపు కార్డులు ఇవ్వాలి, గుర్తింపు కార్డులు కల్పించాలి, ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలి, ఉద్యోగ భద్రత पाउडर फेंके इनके ऊपर, कौन क्या कैसा करा उन्हें बोलो ना। झाड़ मार के पाउडर डाले तो डालने पाए तो हम जितना गालियाँ दिया पाउडर उस चिंता दिया पहले। बारिश के दिन में बारिश आया कारण हमें भी फिर भी मदद करके हम लोग जो भी काम कर रहे हैं हमारे बाल बच्चे हम लोग हम बोले चेयरमैन को बोले कमिश्नर को बोले जो भी बोले तो कमिश्नर पहले तो आज तक नहीं गए हम लोग, कमिश्नर को देखे भी नहीं हम लोग गए भी नहीं, हमारे सुपरवाइजर नहीं बोले जाओ बोल के जो भी बोले तो हमारे सुपरवाइजर किसी बोलते हम लोग उन्हें इसी अरना दीची हम लोगों को समझा के झाड़ू मारने लगा था जो भी रहा यहाँ बैठते यहाँ बैठते वहाँ बैठते बोल के गालियाँ देते ऐसा मेहनत भी करते होते ऐसा गालियाँ लेता हमारे को बजट नहीं था। कमिश्नर है, काउंसिलर है, उसके टाइम में 8 बजे हम लोग फर्स्ट मस्किटो की दवा वार्ड नंबर 1 में गए थे। हम लोग जाके आदि बस्ती में पूरी दवा दुआ मार के आके जो है सो अमजद खान के साथ के घर के सामने से 2 खत दवा मार के निकले। तीसरे खत राउंड में पेट्रोल भी ख़त्म होगा और डीजल भी ख़त्म होगा, फिर भी हम लोग पेट्रोल भी डाल लिया डीजल भी डाल लिए के मशीन चालू करके फिर एक राउंड मार के आगे निकल रहे हैं। रोड पर निकलते खुद मशीन ऑफ हो गए, आए सो तो पूरी बस्ती में धुआं मारने के वास्ते मशीन अच्छा रहता है, मेरे घर को आते ही मशीन ख़राब हो जाती। मशीन की माँ का दाद मशीन का अम्मा का बोड़ा जलपली म्यूनसिपालिटी की अम्मा का बोड़ा ये क्या है, हमारे घर का नहीं आते ख़त्म हो जाता बोल के हम लोगों को गाली गलौज देते हुए और किरण कुमार जो है मशीन डाल लेके उसको धक्का मार लेते हुए रोड तक ला लिए। हम लोगों को आइंदा गली में कदम रखे तो ठांगा तो डालते मार देते तो बोल के हमारे को जो वार्निंग भी दे दिए। ऐसे सिचुएशन में हम काम करना बोलो तो अच्छा ना दिख रहा हमारे जो, फिर भी हमारे कमिश्नर साहब हमारे चेयरमैन साहब हम लोगों को जो आगे बढ़ा लेते हुए अभी तक हमारा साथ दिए, उसके वास्ते हम लोग अपने बालापुर पीएस के सामने आइंदा ऐसे हरकत नहीं होना गालिज गलूज नहीं होना बोल के धरना दे रहे हैं। थैंक यू। तो अभी ये धरना देने के पीछे क्या रीज़न है, यानी कि आप लोग क्या चाह रहे हैं, यानी कंप्लेंट होना या तो फिर आगे वाले को यानी कि वार्न करने के लिए? आगे वालों को वार्निंग दे रहे हैं हम लोगों को आइंदा इसके बाद कोई गाली गलौज नहीं देना और जो मारने की धमकी भी नहीं देना। ऐसे सिचुएशन में काम करना बोलो तो नामुमकिन, उसके वास्ते हम लोग धरना दे रहे हैं। जो कम उस सुपरवाइजर है वो सुपीरियर है उनको जाके बोलना, नहीं तो हमारे जलपली ऑफिस को जाके ऑफिसरों से बात करना, मगर ये जो काम करने वाले के ऊपर जुल्म करे तो नहीं चलता बोल के हम लोग ये इसके वास्ते धरना दे रहे हैं।